जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के बारे में जानेंगे, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानेंगे जिसे आज ही के दिन 2 सितंबर 2022 को नौसेना में क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। देश को आज पहला स्वदेशी युद्ध पोत INS विक्रांत मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रांत को नौसेना को सौंपेंगे। नौसेना के बेड़े में शामिल होकर विक्रांत समंदर में भारत की सुरक्षा घेरे को मजबूत करेगा। क्या होता है विमान वाहक पोत? दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं विमान वाहक पोत किसे किस तरीके से दिखता होगा। यहाँ पर जो आपको ये बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, नौसैनिक रहते हैं, उनके रहने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है। और इस एयरक्राफ्ट पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को रखने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर एक रनवे होता है जो लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को यहाँ से उड़ान भर सकते हैं और यहाँ पर उतर सकते हैं। इस दोस्तों अब हम विश्व की स्थिति जान लेते हैं कि किस देश के पास कितने विमान वाहक पोत हैं। तो अगर हम देखें तो विश्व में अभी फिलहाल की स्थिति में 41 विमान वाहक पोत एक्टिव है, जिसमें से जो अमेरिका है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 विमान वाहक पोत है। भारत, चीन और इंग्लैंड के पास में 2 विमान वाहक पोत है। फ्रांस, रूस और इटली के पास में एक एक विमान वाहक पोत है। जापान के पास, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और ब्राज़ील, इनके पास भी क्या है, विमान वाहक पोत है। लेकिन इनके पास जो विमान वाहक पोत है वो केवल हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं। किसको ले जा सकते हैं? केवल हेलीकॉप्टर को, और ये लड़ाकू विमानों को नहीं ले जा सकते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं INS विक्रांत। INS विक्रांत महासागर में भारतीय नौसेना का तैरता हुआ किला। 2 सितंबर को इसको नौसेना को सौंप दिया गया है। दोस्त इसको बनने में लगभग 13 साल का समय लग चुका है और 2009 में इसके बनने की क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। और हमारे पास इससे पहले भी विमान वाहक पोत थे, जैसे कि INS विक्रांत, जिसको हमने किसे लिया था, ब्रिटेन से लिया था, जिसको 4 मार्च 1961 को कमीशन किया गया था और 31 जनवरी 1997 को ये क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। INS विराट भी हमने ब्रिटेन से लिया था, जिसे हमने 12 मई 1987 को कमीशन किया था और 6 मार्च 2017 को रिटायर हो चुका है। और INS विक्रमादित्य, जिसे हमें रूस से गिफ्ट में मिला था, लेकिन गिफ्ट में मिलने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पैसे देने पड़े थे रूस को, और वो हमने 16 नवंबर 2013 को कमीशन किया था और अभी भी यह क्या है, एक्टिव है, अभी भी यह नौसेना में कार्यरत है। तो भारत के पास में अब 2 विमान वाहक पोत है, विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। विक्रमादित्य ये रूस से लिया गया है और INS विक्रांत जो स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है विक्रांत की खासियत? तो इसका जो वजन है वो 40,000 टन का है दोस्तों, और इतना ज़्यादा वजन होने के साथ ही दोस्तों यह सामान्य ऊर्जा से नहीं चलता है, इसको चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी जो लागत है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपये है। इसकी लंबाई 262 मीटर है, इसकी चौड़ाई 62 मीटर, इसकी ऊंचाई 59 मीटर और इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है। 196 ऑफिसर्स यहाँ पर रह सकते हैं। 1,449 नौसैनिकों की रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। 14 फ्लोर यह जो बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर 14 फ्लोर है और 2300 कंपार्टमेंट है और लगभग 30 एयरक्राफ्ट को यह अपने साथ में यहाँ पर रखने की व्यवस्था है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर
की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्ध पोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। इसमें भारत के पास जो उपलब्ध है वो है जो MiG-29 है, जिसको हमने जो रसिया से लिया गया है उसको यहाँ पर तैनात करेंगे। Kamov-31 को तैनात यहाँ पर करेंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी इस पर तैनात किया जाएगा। और नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को भी इस पर क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसमें कैरियर में स्थापित हथियारों की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और से लेकर एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर और अत्याधुनिक इसमें वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं जो आस पास आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में क्या है, सक्षम है। स्वदेशी युद्ध पोत होने से भारतीय नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आया है, तो मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देश ही ऐसे हैं जिनके पास में एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। अब भारत भी उस श्रेणी में शामिल हो चुका है। दरअसल भारत के पास इससे पहले भी एयरक्राफ्ट थे लेकिन वो विदेशी थे। तो INS विक्रांत और INS विराट को हमने ब्रिटेन से लिया था और INS जो विक्रमादित्य है उसे हमने रूस से लिया था, जिसका नाम था एडमिरल गोर्स्कोव नाम था। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश हो चुका है। 1997 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले INS विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।